हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हर्ष बात कर रहा हूँ। हर्ष। हर्ष बेटा, कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक। आप बताइए, कौन बात कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। आपको कार्ड मिल गया होगा ना शादी का? प्रणव की शादी का कार्ड मिल गया होगा आपको? हाँ जी, हाँ जी, कल ही मिला अच्छा था। अच्छा मैं प्रणव का पापा बोल रहा हूँ बेटा। कैसे हो? पापा अरे ठीक नमस्ते हैं? अंकल। नमस्ते। पापा ठीक हैं? एकदम बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। एक जमाना हो गया पापा से मिले हुए। उनको बोलना अंकल बोल रहे थे, अब जी इतने हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं बिल्कुल एक बार रिमाइंड करा बिल्कुल। रहा हूँ, 11 तारीख है, छतरपुर फार्म हाउस। मैंने तो स्पेशली बोला था, मैंने कहा हर्ष के घर देखे आओ भाई। तो बेटा हाँ, आप आए नहीं खुद। नहीं, मैं असल में मैं खुद बिजी हूँ ना। एक तो पापा से भी बात नहीं हो पाई थी, मैं खुद भी बिजी हूँ। तो बेटा वो कार्ड पे अरे ना आपने देखना, पीछे लीफ में ना, बैक लीफ पे पूरा मैप दे रखा है छतरपुर पे। ग्यारह हाँ की जी, हाँ जी, 11 11 की बारात है। वैसे तो बारात सकेत से जाएगी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको हम वहीं से पिक कर लें। मतलब बस सारी बारात वहाँ बन जाए छतरपुर से पहले ना। ठीक है, ठीक ठीक है? है। हाँ। और पापा ठीक हैं? एकदम बढ़िया जी। आप क्या चक्कर कर रहे हो लगाओ, बेटा, बहुत टाइम जॉब हो कर रहे गया। हो आजकल? क्या बिजनेस में हो? बस पापा के साथ ही बिजनेस में ही अरे हैं। वाह, पापा के साथ लगे। हाँ अच्छा बिजनेस। हाँ मेरे जी, को मिले थे तो मेरे तो कह रहे थे बिजनेस तो सही चल रहा है। मैंने कहा इस जमाने में सही चल रहा है, बहुत ऊपर वाले का करम है भाई। तो आप आ रहे हो ना फिर? पक्का आ रहे हो? पूरी फैमिली को लाना है? हाँ जी, पूरे हाँ आठ के आठ मेंबर आएंगे हाँ फैमिली सब आओ, आप सब आओ, सब आओ। क्या दे रहे हो? में। क्या अंकल, समझा नहीं मैं। मतलब आप लफाफा दोगे? उसमें क्या कुछ बात हुई पापा से रात में बैठ के? मीटिंग वीटिंग तो हो गई होगी ना कि क्या दे रहे हैं? एज एन अंकल, मतलब समझा नहीं मैं। मैं समझा देता हूँ ना, आप जब शादी में आओगे लफाफा तो दोगे ही दोगे ना। हाँ जी बिल्कुल। कितना सगन डाल रहे हो ये पूछ रहा हूँ। क्या पापा ने क्या कुछ बात तो हुई होगी ना घर में? कितना दे रहे हो? पापा कह रहे थे देख लेंगे, अपना जो सब डाल रहे होंगे वही देख लेंगे, नहीं और देख क्या। लेंगे। नहीं अभी बताओ ना, पापा ने बात तो हो गई होगी ना? बात तो उसी टाइम हो गई होगी। मेरे ख्याल से कार्ड देके गए, आपने पहले डिसाइड कर लिया होगा कि कितने देने हैं। क्या दे रहे हो बताओ ना। पापा कह रहे थे वही, बाकी सब शर्मा जी भी आए होंगे, उनसे जो भी बात करके देख शर्मा जी लेंगे का और अलग है क्या। यार, ये शर्मा जी तो के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो आप? वो जो दे, आप अपना बताओ ना। शर्मा जी का क्या ठेका थोड़ी ले रखा है? आप क्या दे रहे हो सगन? 2100 डन कर देते हैं, और की कितना? 2100। क्या मैंने सही सुना है? 2100? हाँ जी, 2100 सही सुना है आपने। 2100 रुपए हाँ जी, सगन में हाँ जी, हाँ विद फैमिली? 8 लोग आओगे आप? है तो 8 ही, लेकिन सोच रहे हैं कि मम्मी और डैडी नहीं आएंगे। तो मम्मी डैडी भी आ रहे हैं तो 2100 रुपए बेटा। अगर पर प्लेट का भी हिसाब देखो ना, 1500 रुपए की तो प्लेट है। आप 2100 कैसे कह रहे हो? या फिर ऐसा कर लो, भाई साहब आए वो स्नैक्स स्नैक्स खा ले, भाभी जी पूरी प्लेट ले लें। 2100 तो मैं जायज समझ रहा हूँ। ये क्या बदतमीजी है दोनों के? 2100 रुपए? ये मतलब आप क्या बदतमीजी मैं कर क्या रहे हैं, ये बदतमीजी सब कर रहा हूँ? कर। मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? 2100 रुपए माँ मुंह फाड़ के कह दिया 2100 रुपए, दो आदमी के 2100 रुपए कैसे बन जाते 2100 रुपए? रायते का क्या, कितने का पड़ रहा है? एक मैं सबका कर देता हूँ। 1 ग्लास रायता तो पियेंगे ना पापा? या मान रहे हो दो नहीं मान रहे? पियेंगे, एक नहीं क्यों मान रहे हो? पियेंगे, नहीं मान रहा? मान रहे हो ना? दो ये पिए। दो पियेंगे? दो पिए, दो में भी हाँ 2100 रुपए? आ बाद में आइसक्रीम भी यार, चाहिए, गर्म मीठा हो भी गया चाहिए। ये तो क्यों? अंकल। तो ऐसे ही सब कुछ करना था तो कार्ड के पीछे आप लिख के क्यों नहीं भेजते कि आप अंकल और आंटी को भेजिए, अंकल खाली स्नैक्स लेंगे और मम्मी जो है बाद में आके डिनर करेंगी। नहीं लिख अगर दिया मैंने करो ना, लिख के नहीं ओवर लिख भेजा, तो लगा एक रखा सेकंड, मैंने लिख के नहीं भेजा तो 2100 रुपये दोगे? इसीलिए कहते हैं जसों को नहीं बुलाना चाहिए। 2100 रुपये लेके बैठा है? 2100 रुपये यार। है। ओ दिमाग मत खराब कर, जा नहीं यार तेरी शादी में फोन रख। अरे